लास्ट दिन हमने आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम कराया था और मैंने आप लोगों को स्टेप लैडर मेथड भी कराया था। स्टेप लैडर मेथड में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिया था, बिकॉज उस प्रॉब्लम में रैंकिंग करने का जरूरत ही नहीं था। मेरा तुम लोगों के क्लास के खत्म होने के बाद में देख रहा था, वहां पर एस पर रैंक बोल दिया था। एस पर रैंक ऑफ ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर में PQR है उसी ऑर्डर में एलोकेशन होगा, तो वेरी इजीली उसी ऑर्डर में हम लोग बेसिस पकड़ के एलोकेट कर लिए। मैंने सॉल्यूशन करके तुरंत आपको क्लासरूम में अपलोड कर दिया था, आई थिंक सबको मिल गया था। मैंने क्लास टू का दैट इज इलस्ट्रेशन टू का सॉल्व में करने के लिए बोलूंगा डायरेक्ट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वेशन मेथड। तो चलो हम लोग वही करते हैं, ये प्रॉब्लम हम लोग एक साथ करेंगे। सॉल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड ओवरहेड रिकवरी रेट। चलिए, प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन में देखते हैं टू कवर द थ्री मेथड जस्ट डिस्कस्ड। ओके, ए लिमिटेड हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, पावर, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, होना रेंट होगा, सॉरी, डेप्रिसिएशन सैंडल्स, तो इसको एलोकेट करना पड़ेगा। फ्लोर एरिया, तो पहले आते हैं पावर, ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कितना है, पावर टोटल 25,000। बेसिस क्या होगा, प्रेफरेबली हॉर्स पावर HP ऑफ मशीन, रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा बेटा, 6:3:5:1। थोड़ा बोलो तो, 6:3:5:1। चलो 25,000 डिवाइडेड बाय 6:3:5:1, जल्दी 10,000, P1 10,000, P2 5,000, P3 10,000, और इसके बाद 5,000, 8,333, 1,667। पावर के बाद
इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस नो सर. जनरल लाइटिंग. जनरल लाइटिंग. बेसिस क्या होगा? बेसिस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स. वेरी गुड. जनरल लाइटिंग बेसिस क्या होगा? लाइट पॉइंट. नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स. नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना? 2:3:4:2:1:10:15:20:10:5 मतलब 5 से सर जा सकता है. यस, बिना करे भी रख सकता हूँ. 2:3:4:1 ओके. बोलो बेटा कितना? 500. हाँ. 750. 1000. 500. 250. Good. Next. Indirect wages. Indirect wages. Indirect wages. मतलब this क्या होगा? बेसिस होना चाहिए. डायरेक्ट वेजेस कितना? 6:4:6:3:1 ठीक है सर. बोलो कितना होगा? अच्छा बाय द वे, जनरल लाइटिंग का खर्चा बोलोगे कितना? सर जनरल लाइटिंग का आपका 5000 आ रहा है, इसका 7500 है सर. 25000 से ही डिवाइड करेंगे ना सर. जनरल लाइटिंग तो है 3000. क्या तुम लोगों ने किया है सर? जनरल लाइटिंग है 3000 और इनडायरेक्ट वेजेस है 7500. जनरल लाइटिंग ओके ठीक है. इनडायरेक्ट वेजेस बोलो कितना आएगा? 375. इनडायरेक्ट वेजेस के बाद डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? कॉस्ट ऑफ वेल. डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन रेंट था, आपने इग्नोर किया. चलो डिप्रिसिएशन बोल दिया तो लिखो 50,000. बेसिस क्या होगा? एसेट कॉस्ट. दर्जाटा खुले एक्स्ट्रा क्या नो दर्जाटा खुले एक्स्ट्रा क्या नो कॉस्ट ऑफ एसेट कत रेशियो 3 ना बाबा 25 से करेंगे तो 12 16. रेशियो क्या है? 300:400:500:25:25. बोलो 12,000 16,000 20,000 1,000
नेक्स्ट सनरेज सनरेज फिफ्टी थाउजेंड सनरेज भी 50,000 था हाँ बेसिस ऑलवेज डायरेक्ट वेजेस बोलो 15,000 सॉरी 15,000 देन 10,000 देन 15,000 7,500 बेसिस क्या होगा फ्लोर एरिया बोलो रेशियो 20:25:30:25 अमाउंट 1,500 1,275 चंदन क्लियर टोटल और तो कुछ नहीं है टोटल एज पर डायरेक्ट वेजेस ओ थैंक यू डायरेक्ट वेजेस सर सबका तो नहीं होगा सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा 7,500 2,500 याद है तो रीजन बिकॉज बाकी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस एज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट नॉट ओवरहेड लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का कोई प्राइम कॉस्ट नहीं होता उसका टोटल कॉस्ट ही ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ओवरहेड में कंसीडर करेंगे तो टोटल कॉस्ट मतलब सब कुछ मिला के डायरेक्ट नहीं तो एक्चुअल टोटल बोलो 1,53,000 सर टोटल इसका टोटल का उसका नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का सर 41,250 डेंजरस तो बाय बोलो कितना चंदन 41,250 सेकंड
ठीक है। टोटल एज पर प्राइमरी नाउ आप सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च एलोकेट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ एस वन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे सर? डायरेक्ट मेथड। तो ये प्रॉब्लम कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेथड। बोलो कौन सा रेशियो में जाएगा? डायरेक्ट मेथड का मतलब सर सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को बेनिफिट देता है हम लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेनिफिट देता है उसको ही कंसीडर करेंगे। मतलब एस वन दे तो रहा है 20%, 30%, 40% एंड सर्विस डिपार्टमेंट को 10%। हम लोग जब एक्चुअली काम करेंगे वो 10% को इग्नोर करके सिर्फ P1, P2, P3 को कितना दे रहा है उसका बेसिस में ही हम लोग एलोकेट करेंगे, दैट इज 20%, 30%, 40%। रेशियो होगा 20, 30, 40। समझ में आया? डायरेक्ट मेथड तो ऐसे ही बताया था कितना 20,792। बोलो 4,620, 6,931, 9,241 Cost of S2 यहां पर भी सेम, वो तो S1 को भी बेनिफिट दे रहा है उसको स्ट्रेट वे में इग्नोर करो, सिर्फ P1, P2, P3 को देखो 40, 20, 20 20, 20, 20। अच्छा तुम लोगों को एक सवाल होना चाहिए, तुम लोगों ने नहीं किया, मैं करूं? सर आपने टोटल कॉलम में कुछ नहीं क्यों बिठाते हैं, यहां पर कुछ नहीं क्यों बिठाया? बोलो रेशियो क्या होगा? सर टोटल तो सेम ही रहेगा सर। यस बिकॉज सर यहां पर प्लस किया तो यहां पर भी सेम अमाउंट से माइनस किया है, राइट तो यहां पर टोटल इफेक्ट में कुछ नहीं होगा। बोलो रादर आप टोटल कलम को इग्नोर करेंगे तब भी चलेगा, स्टूडेंट को अगर लग रहा है सर मुझे टोटल कलम नहीं चाहिए तो इग्नोर करो, पूरा ही टोटल कलम को इग्नोर कर दो, मतलब ये पूरा कलम को आप डिलीट कर सकते हो। बोलो 3,500, 1,750 सर। टोटल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओके बोलो टोटल कितना इसका टोटल 49,370 49,370। इमीडिएट एक काम करना, एकदम एक बार चार मत लिखना,
प्रोडक्शन आवर, प्रोडक्शन आवर बोलो 6226 4028 4066 overhead recovery rate 7.92 नेक्स्ट दूसरा 10.88 अब पगला टोटल बोल 43,806 43,806 divided by 4028 10.88 59,824 14.71 I think ये बात तो आप लोगों से हो जाएगा प्रोडक्शन डिवाइडेड टोटल कॉस्ट जिसका डायरेक्ट मटेरियल 250 डायरेक्ट लेबर 150 प्रोसेसिंग आवर P1 में 4 घंटा P2 में 5 घंटा P3 में 3 घंटा ये तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट तो वहाँ पर 14.71 होगा यस 71 बोलो 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 जल्दी डायरेक्ट मटेरियल कितना 250 डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट एड ओवरहेड ओवरहेड बी वन P2, P3. P1 कितना घंटा काम किया है 4 into rupees 7.92 5 4 5 10.87 बोलो 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 जल्दी 31.68 प्लस 54.35 देन 44.13 बस टोटल सर 54 होगा सर सेकंड वाला सर 54 होगा सेकंड वाला कितना होगा 54.35 और थर्ड वाला 44 बोलो हर बारी क्यों करते हो टाइम तो मेरा ही जाएगा बोलो सर ओवरहेड का टोटल 130.16 टोटल टोटल कॉस्ट ओके
चलो ये था रिपीटेड सर, यही अगर मैं तो ये डायरेक्ट था ना, डायरेक्ट मेथड में ये काम कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड में। अब रिपीटेड चलो जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अब डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो सेम प्रोसेस कंटिन्यू। 20,000 कौन सा बेसिस में एलोकेट करना पड़ेगा इस वन को? सर बेसिस होगा 20, 30, 40 और 10, मतलब यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा देना पड़ेगा 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 10। एग्री? तो इसका मतलब है यहां से 20,000 माइनस होगा और बाकी इसमें इसमें बटेगा। अमान बोलो जल्दी,4,158, 6,238, 6,278, 8,378, 8,370, 8,370, 17 सर 17, 2079 देख लेना टोटल मिला के 20,792 हो रहा है अभी 2000 क्लियर। चलो इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, जिसको इसके दोनों को ही एलोकेट करना है, बाकी को कोई टोटल का जरूरत नहीं है। बोलो कितना है इसका? तो सर नील हो जाएगा, और इसका क्या होगा? बोलो सर इसका होगा 9,079। ओके चलो जी, इसका रेशियो क्या होगा? 40:20:20:20। बोलो कितना अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 9,079। करो करो एलोकेट करो इस रेशियो में। 3,632 बोलो 3,632। एक सेकंड दारा, तो बाबा दैट्स व्हाई यू हैव प्रॉब्लम गाइस। ओके ये मेरे समझ में यही नहीं आ रहा था, व्हाई दैट इज अ प्रॉब्लम। बोलो 3,632
1815 टोटल 9079 होना चाहिए. हाँ हुआ ही है. नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो क्या होगा सर. ये होगा 1815 यस और नो. और इसका हो जाएगा नील. नाउ कॉस्ट ऑफ एस टू वन कौन सा रेशियो में एलोकेट करेंगे. 20:30:40:10 बोलो. 183 ये हो जाएगा सॉरी ये दैट इज 182 और ये हो जाएगा नेगेटिव 1815. नील यहां पर 182. अच्छा देखो अब 182 को एलोकेट कर सकता हूं तीनों में तब सर्विस डिपार्टमेंट में 36 रुपीस आएगा जो वेरी मिनिमम है. तो मैं चाहूं तो 182 को पूरा ही डाल देता हूं P1 P2 P3. अगर S1 में डालता हूं तो कितना आएगा 182 का 20% मतलब 36 आएगा. फिर से वो 36 को यहां पर डालना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग मिनिमम अमाउंट होगा है तो इसको इग्नोर करते हैं. Of S2 बोलो. 73 बोलो सर. ये हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ S1 है ना उसका वो रेशियो नहीं निकल रहा है. रेशियो निकल गया बट ये P1 का वो अमाउंट नहीं आ रहा मेरे में. चलो 1815 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 20 73 उसके बाद 36 उसके बाद 36 और इसका 182. अब 36 और यह पर आ गया नील. सर उसको और हम एस्टू में नहीं बांटेंगे डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे कॉस्ट ऑफ S1. बोलो क्या होगा डायरेक्टली और कुछ नहीं देखना है. 40:20:30:40 बोलो बोलो सर. हम 182 में जाके सर रुक गए सर तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर. ना ना देन अगर 182 में तुमको रुकना ही है तो 36 को S1 में डाल नहीं सकते. तुमको देन पूरा पैसा को ही इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 40:20:20. तुम उसको 40:20:20:20 में अगर 36 S1 में डालते हो तो S1 में 36 का फिगर आ चुका है तो 36 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. मैं एक काम करता हूँ 36 के बाद और नहीं करूंगा तो 36 को करके फिक्स कर देता हूँ. तो 36 का पैसा P1 P2 P3 और कहीं पर नहीं जाएगा. सर अगर 182 को करेंगे तो उसको भी P1 P2 P3 में करना है. बस बस वहां पर ही खत्म. ठीक है बोलो सर. हम एक स्टेप और कर दिए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना. ना 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 ना
दो स्टेप तक एक्चुअली वो दो स्टेप में देखना चाहता है उसको उसका कॉन्सेप्शन क्लियर है और नहीं. बस हो गया डन. तो इसका हो गया नील, इसका भी हो गया नील, इसका टोटल बोलो जल्दी. प्रोडक्शन आवर बोल दिया है सर. साउंड बंद रखिए सर. कुछ बोले सर, थोड़ा लीव कर सकते सर. करो थोड़ा मार्केट जाना सर, बंद हो जाएगा मार्केट. हाँ मार्केट बोलो. सर P2 का 41956.81 आ रहा है. 43 क्या 43771 फिगर सही है और गलत है ना? आई थिंक ठीक ही होगा. हां हां ठीक ही होगा. ए तुम लोग रेट बोलो. टोटल सर, टोटल वो ठीक है, तुम देख लेना घर में. 7.94. दूसरा जल्दी. एक बोलता है हो जाते हो. 18.86. यहाँ पर तो ये था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. ये था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. सेम मैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं करूंगा, वो तो आप लोग घर में करेंगे. ये कौन सा मेथड? ये है अलजेब्रिक इक्वेशन. इक्वेशन मेथड बोलो. अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड याद है तो चलो यहां पर वॉकिंग्स करना पड़ेगा.
टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एस वन का एक्स पकड़ लेते हैं एंड एस टू का वाई. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एस वन क्या है, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस शेयर ऑफ दैट, मतलब 20,792 प्लस सर्विस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा उसके पास है, एस टू का कितना उसके पास बियरिंग होता है 20%, तो 20% आ जाएगा, तो दैट इज 20% ऑफ वाई. क्या होगा 20,792 प्लस 0.2 वाई. एग्री? सिमिलरली टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, यहां पर भी 10% कॉस्ट था. देखो एस वन का 10% कॉस्ट एस टू में गया है, तो 7,000 प्लस 10% ऑफ एक्स, तो 7,000 इक्वल टू 0.x. चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं. y 7,000x, तो x का जगह में हम लोग डाल देते हैं, क्या है x का वैल्यू 20,792 प्लस 0.2y. कैन यू कैलकुलेट द फिगर फॉर मी, 20,792 मतलब 2,079 सर, 2,079 प्लस 0.02, यस और नो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इधर उधर करेंगे तो 0.98, दैट इज 7,000 हो जाएगा, ये 7,000 फिगर कम्स टू 8,704 7,000 प्लस दैट इज 9,079, यस और डिसएग्री? यस सर. प्लस 2,079 डिवाइडेड बाय 98.98, इट इज रन 9,264, यस और नो? 9,264. Yes, putting y equal to 9,624 in equation 1, we get kya mujhe milega? 264 na. Ha, 9,264. Oh. Equation 1 matlab x. 20,792 plus 0.2 into 9,264. वही तो था इक्वेशन 1, 20,792 plus 0.2 y. y का वैल्यू मेरे पास आ गया है, बोलो कितना होगा, 9,264 into 0.2 plus 20,792, how much? 22,645. 22,645. Yes or no? Yes. Yes. Sir. Bas. So S1 ho gaya 22,645 और S2 हो गया है 9,264. चलो लोकेशन में आते हैं, 22,645 तो S1 से माइनस करेंगे स्ट्रेट वे में 22,645. बोलो डिवाइड करो रेशियो से 22,645 सर 4,529 529 देन 9,000
9,058 हाँ, एकदम एग्जैक्टली वही आया है। तो यहां पर इस टू का हो जाएगा कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा 9,264। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो यहां पर इन दैट रेशियो जल्दी।9,264/100 40 3 7 0 6 20 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 यहां पर भी नील, यहां पर भी नील, देखो प्लस माइनस करके नील ही आ रहा है। यहां पर फिगर बोलो जल्दी से सर। वो 1852 होगा सर, वो ऊपर में सर P2 का। P2 का कौन सा फिगर सर? P2 P3 और S1 का फिगर अलग। 1853 होगा। तो तीनों और कॉशिप तो आप लोग कर लेंगे। तीनों मेथड में मैंने दिखा दिया, एल्जेब्रिक इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्ट मेथड। ओके, चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग सर।